लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माका, हाँ जी, इसे हमारे जुल्मों की इंतहा दिखा दो, लूट लो इसकी इज्जत। इसे मालूम चल गया, खत्म कर दो इसे। नंगे सर तो भाई ढापते हैं। तू मंगल है? हाँ दीदी, मैं मंगल हूँ। ये मालूम था, तू आएगा, अपनी बहन की इज्जत बचाने आएगा। मंगल, इन कमीनों ने अपने नापाक हाथों से तेरी बहन के शरीर को छुआ है, उसे बेइज्जत किया है, मुझे इतना मारा। बस दीदी बस, तेरे चरणों की सौगंध, आज तेरे पर ढाई हर जुल्म का हिसाब चुकाऊंगा। तू बस उन जालिमों की शक्लें बताती जा, करते में मैं दौड़ता जाऊंगा। पति और मेरे ससुर का है, उन्होंने पापा का कत्ल किया, वो तुझे और मुन्ना को भी मारना चाहते थे। मुन्ना कैसा है? मुन्ना ठीक है दीदी, चल
पहले माँ के पास चलते हैं, मुन्ना को मैं वहीं लेकर आता हूँ। मंगल मेरे छोटे भाई, मैं महीनों से सोई नहीं, तेरे कंधे पे सर रख के सो जाऊं? दीदी, भाइयों के कंधे बहनों की सारी उम्र का सहारा होते हैं, सोचा। माँ, उमा दीदी, माँ। उमा, ये क्या हाल हुआ तेरा बेटी? तू तो विदेश गई थी। हाँ माँ, वो विदेश ही था। मेरे पति ने मुझे अंधे कुएं के विदेश में धक्का देकर गिरा दिया था। वहां मुझे भूत प्रेत डराते थे, काले नाक काटने को दौड़ते थे, हर वक्त मुझे अपने भाइयों की मौत की आटे सुनाई देती थी। मैं हर लम्हा हर पल बिलक बिलक कर अपने भाइयों की जिंदगी की दुआएं मांगती थी। माँ, मैं ममता की प्यासी हूँ, मुझे अपने सीने से लगा ले। ममता की छाव पे सबसे बड़ा हक बेटियों का होता है। मैं तेरे सारे दुख दर्द मिटा दूंगी, तुझे अपने दिल में रखूंगी, गर्म हवा का झोंका तक तुझे लगने नहीं दूंगी। मंगल, बेटी का पति जालिम या कमीना हो जाए तो उसके माँ जाए भाइयों का फर्ज बनता है कि वो अपने बहन पर हुए जुल्मों का हिसाब ले। तूने अपनी बहन पर हुए जुल्मों का हिसाब अभी तक चुकाया है या नहीं? माँ, अभी तक असली जालिमों का सामना नहीं हुआ। सामना नहीं हुआ या तू डर गया या मेरे दूध का असर तेरे खून में खत्म हो गया? माँ, ये मंगल ही तो है जो दुश्मनों का सर फोड़ कर मुझे तेरी ममता की छाव में लेकर आया है। तो क्या हुआ, वो उसका धर्म था, भाई का बहन पर कुर्बान हो जाना ही उसका फर्ज होता है। माँ, मैंने दीदी से वादा किया है कि उसे पहले मुन्ना से मिला दूँ, उसके बाद तेरे चरणों की सौगंध पानी तब पीऊंगा जब उस पर किए हुए जुल्मों का हिसाब चुका दूँ। तो फिर कदम भी तभी छूना जब वीरता की जौहर दिखा चुको। शालू, तुम गलत कदम उठा रही हो। तुमने अपने दिल के गहराई से चाहा है मंगल को और तुम्हें मंगल से प्यार है। मिस्टर अमर रॉय, ये मेरी बदकिस्मती थी कि जिसे मैंने अपने दिल का देवता समझ लिया था वो एक बलात्कारी निकला, एक कातिल निकला। शालू, तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो, असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। वो मारने वाला नहीं है, बचाने वाला है। उसने कई बार अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। वो कातिल नहीं है, फरिश्ता है। फरिश्ता होगा तुम्हारी नजरों में, मेरी आंखों के सामने एक मासूम औरत की जान ली। कत्ल करने के बाद जब वो कायर भाग रहा था तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मेरी आंखों से आंखें मिला सके। शालू, तुम कायर कहकर मेरे दोस्त की बेइज्जती कर रही हो और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं बर्दाश्त कर सकते, ना करो। तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? मैं यहाँ खुद आया हूँ तुम्हारी शादी रोकने के लिए, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा मेरे यार की मोहब्बत को लूट कर ले जाने की। मिस्टर अमर, मैं ब्याह के मंडप में जा रही हूँ और मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे कैसे रोक सकता है। Now you get out from this. Shall you try to understand? बोलो शंकर भीमा, ले जाओ इसे मेरे सामने से, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। शालू, शालू तुम ठीक नहीं कर रही हो, ठीक नहीं कर रही हो शालू तुम। अच्छा मौका है, ये लो पिस्तौल और खत्म कर दो अमर को, अपना काम भी हो जाएगा और इल्जाम लगेगा शालू और उसके बाप सेठ जयप्रकाश पर। जा जाओ, चल बे, मरने के लिए तैयार हो जा, चल। नहीं, चल
चल हट। वो कम ऑन वो जा। अच्छा